हाउ आर यू? सब कुछ ठीक ठाक? ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है इंग्लिश कोना। इंग्लिश कोना नाम याद रखिए, शेयर करते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया कीजिए। जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं, अपना इंटेंशन दिखाते हैं, अपने एनर्जी दिखती है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर वैसी ही एनर्जी आपको दिखाई देती है हमारे थ्रू। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा एनर्जी हमारा बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ शानदार, जानदार, मज़ेदार सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना है, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, वो तो है ही है, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करें, स्टार्ट टू एंड। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द प्रतिस्थापन, और उसके लिए हमने ऑलमोस्ट 85 वन वर्ड्स एज एग्जाम्पल पहले वाले वीडियोज में देख लिए। आज स्टार्ट करेंगे 86 से, वन वर्ड नंबर 86। तो हमारा जो वन वर्ड नंबर 86 है उसमें क्या है? पर्सन हु परफॉर्म्स, प्रदर्शन करता है या प्रदर्शित करता है। रिलीजियस सेरेमनीज, धार्मिक समारोह। इन सब रिलीजन्स, कुछ धर्मों के अंदर वो व्यक्ति जो धार्मिक समारोह में अपना प्रदर्शन दिखाता है या प्रदर्शित करता है अपनी स्किल्स को, जो कि रिलीजन से या रिलीजियस एक्ट से रिलेटेड होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं प्रिस्ट या फिर पूजा, पूजा, प्रिस्ट, जो पूजा पाठ करता हो। धार्मिक जो सेरेमनीज है उनके अंदर क्या होता है? वही पूजा पाठ ही होती है। तो उसको प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति क्या होगा? प्रिस्ट या पूजा, पूजा करने वाला व्यक्ति। वन वर्ड नंबर 87, प्लेस एट द एंट्रेंस टू ए रूम और बिल्डिंग। एंट्रेंस यानी प्रवेश, रूम यानी कमरा, बिल्डिंग यानी इमारत। इमारत या कमरे में प्रवेश करने की जो जगह होती है, जहाँ से अपन एंटर करते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थ्रेस होल्ड। क्या कहते हैं? थ्रेस होल्ड कहते हैं, और उसको हिंदी में कहते हैं दहलीज। हमारी रीजनल लैंग्वेज में उसको थाली कहा जाता है, थाली, थाली नहीं, थाली, इसको दहलीज को। ठीक है, वन वर्ड नंबर 88, पर्सन हु इज सेलिंग समथिंग, ऐसा व्यक्ति जो कुछ बेच रहा हो। क्या कर रहा हो? कुछ ना कुछ बेच रहा हो, उसको कहते हैं वेंडर। क्या कहते हैं? वेंडर, विक्रेता, विक्रेता, बेचने वाले को क्या कहते हैं? विक्रेता कहते हैं। विक्रेत नहीं है वो, विक्रेता है वो, मात्रा जो आगे वाली है वो स्पेस कम है, तो वो दोनों एक जगह से मिली हुई दिखेंगी आपको। विक्रेत नहीं है, विक्रेता है। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड नंबर 89, प्लेस फॉर स्लीपिंग ऑन ए ट्रेन, रेलगाड़ी में सोने की जगह। सोना मतलब गोल्ड वाला सोना नहीं है कि आप रेलगाड़ी में फिर उसके अंदर छानबीन करने लग जाओ कि कहाँ मिलेगा ये सोना वोना। सोना मतलब जब हम नींद में सोते हैं, उसकी बात हो रही है। तो नींद में सोने के लिए जो जगह होती है ट्रेन या रेलगाड़ी में, उसको कहते हैं बर्थ। बर्थ, प्रोनाउंसिएशन से कंफ्यूज नहीं हो, एक बर्थ जन्म लेना भी होता है लेकिन उसका स्पेलिंग अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है। ये भी बर्थ है, वो भी बर्थ है, इस बर्थ को कहते हैं सैन, जगह, सोने की जगह, बर्थ, या साइका, साइका भी कहते हैं इसको। अब लिखने की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, साइका या सैन की जगह, बर्थ को कहते हैं, और वो होता है BIRTH, बर्थ यानी होता है जन्म लेना। नेक्स्ट वन वर्ड नंबर 90, पर्सन हुज जॉब इज टू कट हेयर और शेव, ऐसा व्यक्ति जिसका काम या तो बाल काटना है या फिर दाढ़ी बनाना है, शेविंग करना है या फिर कटिंग करना है हेयर्स की, वो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपको तो अच्छे से पता होगा, है ना? तो उसको कहते हैं बार्बर। क्या कहते हैं? बार्बर, या फिर हिंदी में उसको कहते हैं नाई, नाई, हमारे रीजनल लैंग्वेज में नहीं को नाई कहा जाता है, कटे जाए लो नाई, तो वो नाई, बार्बर को हिंदी में कहते हैं नाई। अब चलते हैं वन वर्ड नंबर 91 टू 95, द
तक आप इनको देखिए, याद करिए, एक बार समझ लीजिए, तब तक चलते हैं 91 to 95। वन वर्ड नंबर 91। 91 क्या कहता है? थिक सेंट्रल पार्ट ऑफ ए ट्री, एक पेड़ का मोटा केंद्रीय भाग, सेंट्रल यानी केंद्रीय, ठीक यानी मोटा, पार्ट यानी भाग, पेड़ का मोटा केंद्रीय या मुख्य भाग जो है वो कहलाता है ट्रंक या तना। क्या कहलाता है? तना, क्योंकि सारी स्ट्रक्चर इसी के ऊपर बेस्ड होती है, इसी में से ब्रांचेज निकलती हैं और यही जो है वो पेड़ को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है। तो ये सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी ट्री का तना। वन वर्ड नंबर 92, द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ऑल द बोन्स, स्ट्रक्चर यानी संरचना, फॉर्म यानी निर्मित, बाय ऑल द बोन्स, हड्डियों के द्वारा बनी हुई स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? स्केलेटन। क्या कहलाती है? स्केलेटन, कंकाल। क्या कहलाती है? कंकाल। अब वो चाहे जानवरों के हो या मनुष्य के हो, हड्डियां जो भी संरचना बनाती है किसी ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स बॉडी में, उसको कहते हैं स्केलेटन, कंकाल। नेक्स्ट वन वर्ड नंबर 93, पर्सन हुज जॉब इज टू पेंट, वह व्यक्ति जिसका काम रंग करना हो, पोतना हो, उसको कहते हैं पेंटर और उसको हिंदी में कहते हैं रंगसाज। क्या कहते हैं? रंगसाज, रंग को सजाने वाला, उसी पे डिपेंड करता है कि कैसा कलर दिखेगा। वन वर्ड नंबर 94, इक्विपमेंट, उपकरण, अब कौन सा इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप, जो कि ऊपर चढ़ने के काम में आता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लेडर। क्या कहलाता है? लेडर, लेडर यानी सीढ़ी, स्टेयरकेस। ये जो लेडर जिसे कहते हैं, जिस सीढ़ी को कहते हैं, वो परमानेंट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, उसको अपन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं उठा के, वो तो कहलाती है लेडर। और जो जैसे घर के अंदर जो फिक्स सीढ़ियाँ होती हैं, जो परमानेंट होती हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता, मूवेबल नहीं होती हैं, वो कहलाती है स्टेयरकेस, सीढ़ियों का पिंजरा। नेक्स्ट वन वर्ड नंबर 95, पर्सन हु जगल्स, ऐसा व्यक्ति जो कर्तव्य दिखाता हो या वस्तुओं को उछालता हो, आपने देखा होगा कई लोग वो तीन चार गेंद लेके जगल करते हैं, उछालते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं, वो कहलाता है जगलर, बाजीगर, बाजीगर, ओ बाजीगर, फेमस फिल्म थी ये, उसको कहते हैं जगलर, जो कई तरह की कर्तव्य या ट्रिक्स जो है वो अप्लाई करता है, कई जो चीज़ें होती हैं, थिंग्स जो होती हैं, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ वेज में जगल करता है, तो उसको कहते हैं जगलर या बाजीगर। तो ये थे आज के हमारे वन वर्ड, आई होप आपको सभी अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हैं तो अब टाइम है लाइक करने का, कर दीजिए, कर दो, इतना भी क्या भाव खा रहे हो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि औरों को भी पता चले कि किस तरह से वन वर्ड को लर्न किया जाता है, किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है। खुद का भला ही मत सोचिए, दूसरों का भला भी सोचिए थोड़ा। आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।